एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छिदवाटी। मैं दोस्तों को फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके होस्ट छिदंगोइमो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर अपना होम एड्रेस को फिल करना, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर नाइका जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर आप किस तरीके से अपना होम एड्रेस को फिल करोगे। क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में ज़्यादातर लोगों को ऑनलाइन से शॉपिंग करना पसंद होता है। तो ऐसे में अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है पर आपको ये पता नहीं कि आप किस तरीके से अपना होम एड्रेस को फिल करना है, तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो हमारे इस वीडियो का अंत तक देते रहिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नया आया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और जो बाजू में लगे उसको जरूर दबाना। तो चले गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज वहाँ अपना मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को इसे करने के लिए किस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर नाइका जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर अपना होम एड्रेस को फिल कर सकते हो। तो मैं आपको अमेजोन शॉपिंग ऐप पर जाकर एड्रेस फिल करके दिखाऊंगा, तो आप भी बारीकी से देखिएगा। तो इसके लिए हमें अमेजोन ऐप को ओपन कर लेना है। अमेजोन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च जाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऑर्डर कर दूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको अपना होम एड्रेस फिल करना सिखाऊँगा। तो जैसे कि मुझे अब ये मोबाइल होल्डर चाहिए, तो अब आपको भी अपना किसी भी एक फेवरेट प्रोडक्ट को अगर आपने खरीदना है तो उसको चूज़ कर ले। चूज़ करने के बाद आप इसको दबा दें हमारे तारा और आपके सामने कुछ तरह के इंटरफेस आएंगे। तो इंटरफेस आने के बाद आपको, आप अगर इसे खरीदना है तो आपको सबको बाय नाउ करना है, ठीक है। मैं इसको बाय नाउ पर कर दूँगा। जिससे हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ तरह के इंटरफेस आएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है एड एंड न्यू एड्रेस, यानी कि आपको यहाँ से अपना होम एड्रेस को फिल करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इंडिया देखा है, यानी कि आपका कंट्री शो कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। अगर आपका लोकेशन एनेबल है पास से तो आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आपसे ऑटोमेटिकली आपका कंट्री आपको दिखाया जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से पाकिस्तान दिखाया जाएगा, बांग्लादेश से उधर बांग्लादेश, नेपाल से नेपाल दिखाया जाएगा अपना आपसे, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको फुल नेम, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, ठीक है। आपको अपना फुल नाम देना है, आपको फेक नेम भी नहीं देना है। इससे क्या होगा कि अगर आप फेक नाम यानी कि फेक नेम देते हो तो जब डिलीवरी बॉय आपका सामान लेके आपके पास आएंगे तो वो लोगों को पूछेगा आपका नाम लेकर। अगर आपका नाम गलत हो और लोगों को पता नहीं चला तो उन्हें बहुत ही मुश्किल मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं, तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके माइंड में नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर को पहले से ही हमारी तरह कॉपी करके ला लीजिएगा। उसके पीछे यहाँ पर पेस्ट कर देना आपने सिंपली। उसके बाद आ जाता है पिन कोड। अब ये पिन कोड जो है ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर ही कंफ्यूज होता है कि हम पिन कोड क्या रखें, राइट। तो आपको अपना पिन कोड चेक करने के लिए मैं आपको गूगल पर ले चलता हूँ। आप गूगल पर जाना है, ठीक है। यानी कि गूगल पर आप चला जाएंगे के बाद आपको सबसे पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है उड़ीसा। उसके पीछे आपको अपना जगह का नाम मिंडेगिरी गजापति, उसके पीछे आपको लिख देना है पिन कोड, ठीक है। पिन कोड कर दीजिएगा जिससे आप ये सर्च कर देंगे तो यहाँ पर आप एक मिंडेगिरी गजापति पर आएगा। आपको वहाँ पर दबा देना है। दबाने के बाद इसके नीचे ही आपको अपना पिन कोड जो है दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस मिंडेगड्डा या पोस्ट ऑफिस टाइप है ब्रांच ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड 7617 देखा, तो यही हमारा पिन कोड होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर अमेजोन पर आ जाएंगे। उसके पीछे आप हमें यहाँ पर अपना पिन कोड दे देना, ठीक है। 7017 हमारा पिन कोड रहा है। उसके बाद आ जाता है फ्लैक्ट हाउस। अब आपका फ्लैक्ट है तो आपको अपना फ्लैक्ट नाम दे देना है, उसको रोल नंबर साथ में दे देना है, ठीक है। जिससे कि फ्लैक्ट हो गया आपका वी के बी फ्लैक्ट टाइप दे दें। उसके पीछे फ्लैक्ट आपको देने के बाद नंबर 455 टाइप आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। अगर आप फ्लैग पर नहीं रहते हो, आप अपना घर पर रहते हो, आपका घर जो है हाउस नंबर लिखा हुआ है, तो आपको अपना घर का हाउस नंबर दे देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि नंबर 56 हाउस नंबर 56 टाइप आपको यहाँ पर दे देना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर 52 दे दे, ठीक है। आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगा। बिल्डिंग तो बिल्डिंग का नाम दे दे, तो मैं यहाँ पर अपना जगह का नाम दे दूँगा, ठीक है। मेरा हाउस जगह का नाम है, ये है मेरा। उसके बाद आपको यहाँ पर एरिया, कॉलोनी, स्ट्रीट, यहाँ पर एरिया जहाँ पर आप रहते हैं उस एरिया का नाम दे दे, ठीक है। जैसे कि मेरा एरिया का नाम है मेहंदी गिरी गजपति, ठीक है। अगर आप
जो दिल्ली पर रहते और अगर मंजू को दिल्ली पर रहते आपको यहाँ पर मछलियों का तीला टाइप लिख देना है, ठीक है। उसकी वजह से कॉलोनी आपका कौन सा कॉलोनी है वो लिख दे, यानी कि पंजाब कॉलोनी है तो पंजाब कॉलोनी, टिबेटन कॉलोनी है टिबेटन कॉलोनी टाइप, ठीक है। यहाँ पर मेरा है टिबेटन कॉलोनी भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके पीछे यहाँ पर टिबेटन कॉलोनी लिखने के बाद आप आपका कॉलोनी में बहुत ज़्यादा कैंप होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंप का नाम भी नंबर भी देना है, कैंप 5 टिबेटन कॉलोनी कैंप 5 टाइप है। उसके पीछे लैंडमार्क आपको अपना जगह का नाम फिर से एक बार यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे कि या तो फिर आप यहाँ पर अपना जगह से नज़दीक कोई भी फेमस जगह का नाम आप यहाँ पर दे सकते, जैसे कि आप आपका जगह पर कोई फेमस हॉस्पिटल हो, कोई फेमस जगह हो तो आप उस जगह का नाम दे दे। उससे क्या होगा कि जब डिलीवरी बॉय आपका सामान लेकर वहाँ पर आएगा तो वो उस जगह को सर्च करते हुए आपका घर तक पहुँचने में उसको सफल रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर दे दूँगा अपना एक फेमस होटल है यहाँ पर हमारा घर के सामने, तो मैं यहाँ पर बुडू होटल टाइप दे दूँगा, ठीक है। यही होटल है तो इस होटल की वजह से यहाँ पर ये जो डिलीवरी बॉय है उसको बहुत ही आसान मिलेगा, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर जब एरिया कॉलोनी लिखना था उससे मैं हमें देना होगा एरिया नाम भी दे देना, ठीक है, या अपना रास्ता का नाम भी, जो आपका एरिया का रास्ता है तो उसका नाम होगा रोड नाम, राइट, तो आपको वो दे देना है। और मेरा है मोहाना और वो थी रोड, ठीक है, मोहाना रोड कच्चे पट्टी टाइप आपको दे देना है। उसके पीछे टाउन या सिटी आपने देना है, जैसे कि आपका मेरा उड़ीसा है, ठीक है, मेरा उड़ीसा और मेरा टाउन है बहरामपुर, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर भुवनेश्वर पर लिख सकते थे पर मेरा नज़दीकी टाउन है बहरामपुर, तो मैं यहाँ पर सब बहरामपुर लिख दूँगा। और मैं क्या बहरामपुर मैंने लिख दिया, सिलेक्ट स्टेट, आपको यहाँ पर अपना स्टेट जो है रखना है, ठीक है, उड़ीसा से उड़ीसा, नागालैंड से नागालैंड, मिजोरम से मिजोरम आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है तो आपको सिंपली आपने में क्या करना है, एड्रेस टाइप आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, होम ऑफिस, अगर आपने एड्रेस जो अपना घर का दिया है तो आप घर पर रख ले, ऑफिस का दिया हो तो आप ऑफिस पर रख ले, मैंने घर पर दिया तो घर पर ही रख लेता हूँ, ठीक है, होम रख लेना है। उसके पीछे अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एड्रेस पर क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर देखा रहा है हमारा जो पिन कोड है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया देखा रहा, तो मैं एक बार फिर से अपना पिन कोड को देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो मैंने सबसे पहले वाला नंबर को गलत दे दिया था, ठीक है, मेरा है 70 नहीं, मेरा 76 है, तो मैं इसको इस तरीके से अपन पिन कोड दे दूँगा, उसके पीछे फिर 8 एड्रेस पर कर दूँगा, ठीक है। जिससे हम 8 एड्रेस पर कर देंगे योर एड्रेस सेफ हो चुका है, ठीक है। आप हमारा एड्रेस जो है ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले वाला मेरा पुराना एड्रेस था, नीचे पर आ चुका हमारा छिदुंगमो टाइप, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना एड्रेस को यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपने एड्रेस डालते समय कुछ गलत किया होगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको आजकल जो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले इससे ही रिमूव करना होता है, ठीक है, तो आपको पास रिमूव कर देना है। उसके बाद फिर से आपको नया एड्रेस सेट करना है, ठीक है। तो किसी तरीके से आप अपना अमेज़ॉन पर जाकर या फिर फ्लिपकार्ट पर भी आपको कुछ तरीके से करना है और नायका में भी आपको कुछ तरीके से अपना एड्रेस को फिल करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो बाजू में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट या फिर हैव अ गुड डे।